दोस्तों आज हम लोग बनाने जा रहे हैं छोला दो प्याजा। तो छोला दो प्याजा बनाने के लिए होना चाहिए छोला, और छोला आप रात को भिगो दीजिए और उसको इलायची और लौंग, काले मिर्च और दालचीनी, तेज पत्ता जो मिल जाए, नमक डाल के सुबह 5-6 सीटी मार दीजिए और ऐसे तैयार हो जाएगा। मतलब इस तरीके से गल जाए एकदम से। ये देखिए ये एकदम ऐसे पेस्ट हो जाए। इसमें डाल दिया लहसुन 4 कली और प्याज, दो प्याज है ये, है ना, थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, दो प्याज, एक टुकड़ा अदरक और एक मिर्चा, ग्राइंड हो गया बढ़िया से, थोड़ा महीन ही पीसा है मैंने, अब बहुत एकदम पेस्ट नहीं कर दिया, थोड़ा मोटा है, काटना है। इस तरीके से बारीक बारीक काट लीजिए ऐसे, देखिए बहुत पतला स्लाइस बना के काट लीजिए। भूनने के लिए थोड़ा सा कढ़ाई को गर्म कर लीजिए और इसमें डालिए थोड़ा सा तेल, कड़ू का, कच्ची घानी या सरसों का तेल या जो है कड़ू का तेल, जो भी बोलते हैं वही यूज़ करेंगे, टेस्ट ज़्यादा आएगा। तो एक बहुत बड़ा चम्मच तेल है, देखिए तेल की मात्रा से इतनी ली है मैंने। इसको जीरो ऑयल पर भी बना सकते थे लेकिन थोड़ा सा टेस्ट कम आता है जीरो ऑयल पर। और ये कढ़ाई आज मेरी वो वाली नहीं है, क्या कहते हैं, लूनी वाली नहीं, स्टील वाली है, तो ये जलती बहुत है इसलिए मजबूरी है। तो डालिए जीरा, जीरा जैसे ही तड़क जाए आप अपना कटा हुआ प्याज इसमें डालिए। तो आँच को स्लो कर दीजिए, मेरे आँच बहुत तेज है, नहीं तो स्टील की कढ़ाई को वाट लग जाएगी। अब ब्राउन होने तक भूनिए। तेज कढ़ाई में ज़्यादा चलाते रहना पड़ता है, आँच का खास ख्याल रखना पड़ता है। कहते हैं स्टील कढ़ाई थोड़ा अच्छी होती है, सबसे अच्छी मिट्टी की कढ़ाई होती है, लेकिन उसके टूटने के डर, सफाने के डर ज़्यादा रहते हैं। लोहे की कढ़ाई सबसे बेस्ट है इन सब मामलों में। ब्रास या पीतल की कढ़ाई में खट्टा चीज नहीं बनाना चाहिए, अभी इसमें टमाटर पड़ेगा। चने वो पहली सब्जी है जिसमें इतना तेल पड़ रहा है, मुझे इतना तेल भी ज्यादा लग रहा है, लोगों को लग रहा है नहीं नॉर्मल तेल है, नहीं इतना तेल भी ज्यादा है, लगभग लगभग ये हो गया। बस 1-2 मिनट में और पकाऊंगा, थोड़ा तो छोड़ दिया हूँ, चला नहीं रहा हूँ, हाथ रोके हुए हैं। जब ऐसे कलर में आ जाए इस तरीके से, ठीक, ट्रांसलूसेंट होने लगे, तब आपको अपना जो मसाला पीस के तैयार किया था वो डालना है। ये मसाला डाल दिया है, इसको अच्छे से भूनना है। जब तक प्याज हमारा हो रहा है तब तक हम टमाटर को ग्राइंड कर ले रहे हैं। तो हमने 3 मीडियम साइज के, 2 मीडियम साइज, 1 थोड़ा बड़ा टमाटर लिया है। हमेशा टमाटर को काट के देख लें कहीं कीड़े तो नहीं पड़े हुए हैं। जब ऐसी स्थिति में आ जाए तब आप अपना टमाटर डालिए। अब इसी के साथ हम लोग डालेंगे मसाले, धनिया 2 बड़ी चम्मच, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा किचन किंग, 2 मटर दाने बराबर हींग, 2 चम्मच छोला मसाला, एक चम्मच नमक। याद रखना छोला में नमक है इसलिए बहुत ध्यान से जितना मसाला तैयार किया ना उसी भर का नमक रहना चाहिए। पानी डालना है, ये मैंने टमाटर वाला ही पानी डाल दिया जो उसमें बचा था ग्राइंडर में, और इसे मिलाओ अच्छे से, थोड़ा पानी और बढ़ाएंगे। इसकी जगह पानी जगह आप थोड़ा दही में भी फेंट सकते हैं, मलाई में भी फेंट सकते हैं। मलाई में तभी फेंटिएगा जब आपको अपने दिल की कोई भी
इच्छा ना हो रहने की तो मुलायम जरूर फेर दीजिएगा। इस तरीके से स्थिति में है, जब तक मसाला बन रहा था जितना उबल पाए उबला है, फिर ये हम डाल दे रहे मसाला, थोड़ा सा पानी डाल के इसे भी डाल दीजिए जो भी है इसमें। थोड़ा देर इसे मिलाने के बाद ढक के पकाइए। थोड़ा और पकाते हैं, देख रहे हैं लापरवाही का नतीजा। स्थिर कढ़ाई में लापरवाही मतलब हो जाएगी दुर्घटना भारी, जल गया, पानी था सूख रहा था, अब ये जला हुआ पोर्शन छोड़ देंगे कढ़ाई में और शिफ्ट कर लेंगे दूसरी कढ़ाई। यही तरीका है भाई, जला वाला खुर्ज के हटा दे रहे हैं भाइयों, कढ़ाई नहीं दूसरी मिल रही है। पॉट बनाने डाल देते हैं छोला अपना, अब क्या बात, तो करते हैं मिक्स। देखिए मिला के एग्जाम कर दिया इनको, सूखा खाना तो ऐसे खाइए, नहीं तो अभी हम तो करेंगे इसे गीला। मैं थोड़ा गीला किया है, आप इसे और गीला कर सकते हैं। कैसा लग रहा है वैसे यार बताओ। 2 मिनट तो ढक के और पकाएंगे। स्टील कढ़ाई में यही दिक्कत है, नीचे लगने लगता है, ऊपर पानी चुभ रहा है और नीचे लग रहा है। अरे वही पक रहा है। बस डाल दीजिए हरी कटी हुई धनिया, थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ा सा गरम मसाला, मसाले वैसे भी बहुत हैं इसलिए हम थोड़ा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं, अपने स्वास्थ्य के हिसाब से देख के हिसाब से डालिए हर चीज़। हल्का सा मिला के ढक देंगे, जिससे इसकी महक आ जाए। देखिए कैसे लग रहे हैं अच्छे से। तो दोस्तों क्या गजब का छोला बना है, छोला और पराठे के जो है दोनों बनाने का तरीका हमने लिंक कर दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वो निकालते हैं छोला। बात है, ये छोला तो प्याजा है जिसकी रेसिपी उन्होंने, आराम से बहुत गर्म है, हाँ तो भी खाएंगे नहीं ऐसे। और ये पराठा बना हुआ है, और भी आइटम है, देखो हमारे साथ कोई आया खाने के लिए, देखो ये, देखो ये भी आया खाने के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा सॉस, मैगी सॉस के साथ अच्छा लगता है ये, टमाटो सॉस के साथ, मैगी वाला लीजिए चाहे जो लीजिए, जो सॉस आपको पसंद हो। और ये देखिए दही आई है, देखिए थोड़ा सा कलेजा ठंडा करने के लिए, और हल्की सी चटनी हमने तैयार की थी वो, ये मैंने थोड़ी चम्मच चटनी निकाल दी है दिखाने के लिए केवल आप लोगों को, इसमें थोड़ा दही लग गई चटनी में इसलिए ऐसा आ गया कलर। ठीक है दोस्तों, तो खा के दिखाता हूँ कैसा बना है। स्टफिंग तो आपको पता है, सामने भर के दिखाया गया था, फूक फूक के ठंडा किया जा रहा है, और इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे छोला अपना, ये बढ़िया तरीका है। हाँ, और थोड़ा सा डालेंगे सॉस,
दिख रहा है ना डालते हुए, थोड़ी सी लगाएंगे चटनी। ये अपना एक बाइट तैयार कर रहे हैं, और ये सब दिखाने के लिए दोस्तों खाएंगे गपर गपर जैसे खाते थे, सिर्फ आपको दिखाने के लिए, जैसे आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें, नहीं तो करते नहीं लोग, आप लोग ऐसे चले जाते हैं। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, बना के खाइए आप लोग, तो शौक से बनाइए, शौक से खाइए, और शौक या पूरी को सब्सक्राइब करके जाइए। इतना लजीज बनाओ कि बोल ही नहीं पाए यार, सब्सक्राइब कर देना यार, बाय बाय। तो शौक से बनाइए, शौक से खाइए, और शौक या पूरी को सब्सक्राइब करके जाइए। बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, बिना लाइक किए, बहुत मेहनत कर रहे हैं।